एक दिन गया था फरीदाबाद, एक दिन गाइड बता हटो बचो गाइडेंस है लोगों की, उनकी तो कैमरे के पीछे है। पास होने से मतलब है कि गॉड बुद्धा है। किसी दिन साजिश में मारा दूंगा बोलो, फिर मैच में नेक्स्ट टाइम मिलेंगे, भले ही हमारे अंदर अंदर गांड डल रही हो। बहुत बढ़िया शानदार केक काट दिया हमारे भाई के जो सुनकर उससे बहुत ठीक है भाई। हेलो कल को आऊंगा, फिर एक करूंगा तुम्हारी गैल। अरे ऐसे Hey everybody, welcome back to the channel. This is me, Rajveer Sisodia. And guys, आज हम जा रहे हैं वर्कआउट करने टाइगर भाई के पास। लेग्स वर्कआउट करेंगे और लेग्स वर्कआउट थोड़ा हल्का करेंगे। क्यों? क्योंकि भैया बहुत दिनों से करानी है, छह महीने हो गए रेस्ट पे हूँ। और बीच बीच में अगर वर्कआउट करा भी तो अपर बॉडी कर लिया, लेग्स नहीं करे। लेग्स एक दिन में हैवी कर लूंगा तो भाई बहुत लेनी देनी हो जाएगी। तो लेग्स का जो वर्कआउट करूंगा वो इस लेवल का करूंगा जैसे एक बिगिनर वर्कआउट करता है। तो जितने भी मेरे भाई बिगिनर हैं, लेग्स वर्कआउट करना चाहते हैं, डे वन है उनका, तो ये वाला वर्कआउट उनके लिए होने वाला है, देख लेना। और अगर आप भी बहुत टाइम बाद वर्कआउट करो तो लेग्स के ऊपर बहुत ज्यादा लोड मत डालो, अदरवाइज 3-4 दिन चला नहीं जाता यार, बहुत प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो जो लेग वर्कआउट करूंगा उसको आप देख लेना। और जितने भी मेरे भाई नया जिम ज्वाइन करने वाले हैं और एक्टोमॉर्फ बॉडी टाइप के हैं, पतले हैं, वे प्रोटीन नेचुरेटेड प्रोटीन तो बहुत है हमारे मार्केट में, हम खा लेते हैं, लेकिन जो पतले भाई हैं हमारे जो मसल मास गेन करना चाहते हैं, वेट गेन करना चाहते हैं, अभी नया नया जिम ज्वाइन कर रहे हैं, पतले हैं, भूख नहीं लगती है या भूख खाना भी खाते हैं तो उनकी बॉडी उस तरह से रिस्पोंड नहीं करती है, तो उनके लिए डॉक्टर चॉइस का बल्किंग पहले भी कई बार बता चुका हूँ। सबसे अच्छी चीज क्या है, तो बहुत सस्ता है, बहुत सस्ता मतलब कि 1000 रुपए शुरू होता है 999 में, आपको ये मिल जाएगा, इसके साथ एक शेकर फ्री मिल जाएगा, तो बड़े मजे आ जाएंगे। दूसरा, इसका टेस्ट बहुत अमेजिंग है। तीसरा, जिन लोगों को आप काम क्या करता है वो तो बात कर ले, तीसरा जिन लोगों को वेट बढ़ाना है, मसल मास गेन करना है, उनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद चीज है, अभी ऑर्डर कर लें, डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक डाल दूंगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर आपको मिल जाती है, वेट जो हमारा बढ़ता नहीं है। क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है वो बहुत ज्यादा हाई होता है, पतले लोगों का, एक्टोमॉर्फ लोगों का मेटाबॉलिज्म हाई होता है, तो जितना भी हम खाते हैं कैलोरीज खाते हैं वो फटाफट बर्न हो जाती है, तो हमारी बॉडी के अंदर उतनी कैलोरीज टिक नहीं पाती, तो उस वजह से हमारा मसल गेन नहीं होता, वेट गेन नहीं होता। तो इसके अंदर आपको फ्री फंड में 1346 कैलोरीज मिल जाती हैं, एक सर्विंग में 60 ग्राम प्रोटीन मिल जाता है, एक सर्विंग में 252 ग्राम कार्बोहाइड्रेट मिल जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट का सारा गेम है हमारा मसल गेन होने, वेट गेन होने में, थोड़ा बहुत मसल गेन होने में। और इसके अंदर यहाँ आप देखो 3 ग्राम क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट मिल जाता है, जो आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है, 5 ग्राम एल्ग्लूटामाइन, 2 ग्राम एमसीटी ऑयल। एमसीटी ऑयल उन लोगों के लिए जिन लोगों को भूख नहीं लगती, तो एमसीटी ऑयल भूख बढ़ाने में बहुत बढ़िया काम करेगा। जब भूख बढ़ेगी तो आप खाओगे ज्यादा, खाओगे ज्यादा तो सीधे सीधे आप लिफ्ट ज्यादा करोगे, वेट ज्यादा गेन करोगे, मसल ज्यादा गेन करोगे। ठीक है, तो लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, जैसे यहाँ पे लिखा है साइज डज मैटर, तो भैया साइज तो मैटर करता है जो बात है। ठीक है, तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, जल्दी से पहुंचू टाइगर भाई के यहाँ और फिर करें वर्कआउट शुरू, सारे भाई मिलेंगे, बड़ा मजा आने वाला है, देखते रहो वीडियो। अब सीधे आपको जिम में पहुंच के मिलता हूँ, बाय। तो फाइनली भाई हम करने वाले हैं हमारा वर्कआउट शुरू, और जिम के अंदर बहुत बड़े बड़े हमारे एथलीट हैं, आदि नागर हमारे भाई जिम से दिला पसीनो में लोहा लाख हो रहे हैं। भाई ने 30-25 दिन में छाट के फेंक दिया मामला है, अरे क्यों दिखा रहे हैं? ये एक दिन गया था डाइट बता, हटो बचो। उसके बाद से सीरियस चल रहा मामला, आज हम करने वाले लेग्स का वर्कआउट, बहुत दिनों से लेग्स करे नहीं है, बहुत बड़े लोगों की गाइडेंस में, गाइडेंस है लोगों की, उनकी तो कैमरे के पीछे है। एक्चुअली सामने आना पसंद नहीं करते ज्यादा। मैंने भी खोल दिया भाई, जिम में बहुत जानकारी है, अगर तुम गुजर हो तुम रह जाओगे भाई, मैंने खाई थी तुम्हारी तीन गोली वो ना, तुमसे तो शेयरिंग में कोई दिक्कत नहीं, पूरी दिक्कत नहीं, बाकी गया मैं आपको चेक कर रहा हूं, मैंने जाके आज करा हमारा तो ये चीज किसी से बताया, आप गुजर हो नहीं। सुनो मैं बता रहा हूँ, ले ये काटनी है क्या भाई? आप सुबह से रहे तो भाई तुम्हारी
चलो भाई भाई की मैं बहुत दिनों से था लाके देनी लेते फिर जब मैंने ज्यादा जातिवाद वाली मैंने आवाज उठाई उसके बाद एक नाइट्रिक्स के डब्बे में नकली गोली भरकर मुझे दे दी आमी नकली है ये जितनी भी बात हो रही है सब मजाक में है भाई सिंपल सी बात है चाहे नकली दे रहा हूँ या असली दे रहा हूँ रिजल्ट दे रहा हूँ हाँ। मैं चाहे पेपर बच्चे के पास बैठ कर करवा रहा हूँ बच्चा ना बच्चा पास होने से मतलब है बच्चे की गॉड भगदा भाई सुनो टाइगर भाई मजाक करो मैं देखो सारी बातें मजाक की तो मैं बताऊँ मेरी आदत है सबसे मजाक करने की तो मजाक वाली बात है ऐसा कुछ ना जातिवाद वगैरह भाई टाइगर भाई मन में गाली पकड़ रहे अच्छे खासा वर्कआउट चलता बताना कहाँ से आगा हर जिम से लात मार मार के भगाया जा रहा दोस्तों मैंने भी गलत बुला लिया अपने जिम में सारे कोच मुझे 10-5 दिन घेर देते फिर कहते भैया तू टाइगर मार दे तेरी वजह से हमारा माहौल खराब होगा अब देखो इस जिम का माहौल खराब करके कोई दया जिम पकड़ेंगे नहीं जाना माहौल खराब कर दे मैंने हमारे टाइम दे मैंने की 10:30 के बाद आएगा उससे पहले दिखना जाए सकल कौन ग्यारह हो रहे कौन ग्यारह से वर्कआउट शुरू अरे नहीं ये पैची बियर्ड भी हमारा वो आने वाला प्रोडक्ट देसी गबरू ये लाइन नहीं कटनी चाहिए सूखा प्रमोशन फील दिया फ्री वेट स्क्वाट कर रहे हैं लेग्स को वार्म अप कर रहे हैं इसके बाद करेंगे हमारा मेन वर्कआउट तो फ्री स्क्वाट करने के बाद क्योंकि मैं कम से कम 6 से 7 महीने बाद मार रहा हूँ लेग्स क्या पाएगा वर्कआउट ही नहीं करा 6 महीने से तो और करा तो थोड़ा बहुत अपर बॉडी कर लिया लेकिन लेग्स का नहीं करा तो बहुत ज्यादा हैवी नहीं करेंगे टाइगर भाई बेसिक ट्रेनिंग है जो फ्रेशर लोग बंदे जिम में जाते हैं हाँ बिगिनर लोगों के लिए उनके लिए जरूरी है कि यही ट्रेनिंग करे से ज्यादा ओवर ना मारे क्योंकि मारने को तो ओवर भी मार रहे पर 3-4 दिन खराब हो क्या फायदा खराब भी होंगे यार इंजरी भी हो जाएगी ना मसल में इतनी पावर नहीं है कि मसल लोड ले रहा है सुबह उठने बैठने में भी दिक्कत हो थोड़ी लेग्स क्लोज कर अपने क्लोज कर क्लोज कर ठीक है निश्चित ऊपर जितने भी कर सकता है निश्चित कितने सुपर सेट तो कहने का मतलब ये है कोई भी जो बिगिनर है जो लेग्स वर्कआउट स्टार्ट करना चाहता है वो स्ट्रेटिंग से स्टार्ट कर ले लेग एक्सटेंशन आप सुबह उसको 12:30 किलो बहुत लाइट है इसका फायदा ये है कि पूरी लेग्स खुलेगी ऐसे नहीं कि क्वाड मसल हैमस्ट्रिंग अभी मैं सिर्फ लेग्स खोलूंगी ग्लूट्स क्वाड मसल इधर थाई लोअर बैक सारी खुल जाएगी और हमें जब लेग्स मारने का टाइम आएगा तब तक हमारी लेग्स अच्छे से खुल चुकी होगी तो हमारी इंजरी होने से बच जाएगी लेग साथ करेंगे राजीव भाई और मैंने कहा भाई आपकी मैक्सिमम कितनी करें 270 मैंने मुझे तो 270 किलो का टोटल भी सपना ना आया जिंदगी में तो बार बार उसी बात कह रहे हैं क्या अभी तो चलना शुरू करा मैंने कहा यूट्यूब का कंपटीशन बहुत है मैं कहता हूँ तो निपटाने घूम रहे तुम्हें एक आसो मरेगा जब भी तो दूसरे चैनल पर सारे मेरी छाती पे बैठे हो भाई छाती चल रही है बहुत बुरी सब्सक्राइब करो आपका नया सॉरी सब्सक्राइब करो आपका अपना चैनल नितिन चंद हाँ मैंने किसी दिन साजिश में मारा था मैं
भाई नितिन भाई, नितिन चंदीला भाई के हमारे के 1 मिलियन हो चुके हैं साल के 2 महीने इंस्टाग्राम पे। 2 मिनट तो ले जान दो इंस्टाग्राम पे चल रही है। पहले तुम कह लो मेरा नंबर है। 1 मिलियन हो गए साल के 2 महीने में। आप लोग कितना 6 लाख हो गए इंस्टाग्राम ना? चार कुछ भाई मजे ले रहे हैं। नितिन भाई के 1 मिलियन फॉलोअर पूरे हो चुके हैं इंस्टाग्राम पे। दोनों तरफ देख के बोलो। नेक्स्ट टाइम मिलेंगे भले ही हमारे अंदर गांड डल रही हो। बहुत बढ़िया शानदार केक काट के ठीक है। ये सही बात है, बिल्कुल सच्चाई वाली। धुआं छोड़ रही है हमारे 4 लाख से ऊपर। क्या कर रहे हो गाइस यार? व्हाट इज दिस? मेरे ख्याल तुम्हारे वाला ना मेरे YouTube पर 3 लाख तक पर नजर रखे। सेम चल रहा है हमारा सबका। हमारे उस्ताद जी के YouTube पर 50 तक पर नजर। देखो पावर समझाता हूँ तुम्हें। YouTube हमारा सबका एक गुरु जी की। हमारे भाई के जो देखो जो हमारे उस्ताद जी टाइगर भाई के सब्सक्राइबर कितने YouTube 50 से 54 और अगर वीडियो देखोगे टाइगर भाई की सारी 70,000 75,000 1 लाख कह रहे मतलब ऑडियंस से 200% व्यू आ रहे हैं। चैनल ऊपर 200% चल रहा है। हमारे 2 मिलियन सब्सक्राइबर हैं और 2 लाख 2.5 लाख व्यू आते हैं। 2 लाख एवरेज मान लो तो 10% व्यू आ रहे। ढोकर मर जाना चाहिए हमें और तुम्हें जो देख रहे हो कह रहे हो ना ये सबसे स्ट्रांग। तो भाई 10% तो वही हो गए। तुम्हारे 3 लाख सब्सक्राइबर है तो उसके हिसाब से तुम्हारे 50% आ रहे हैं। तो सबसे ज्यादा सब्सक्राइबर मेरे लिए। आजी भाई का भी जिक्र कर लो। आजी भाई अच्छा भाई एक बात बताऊंगा भाई। आजी भाई ये बात बताऊंगा पहले मैं। देखो सुनो मैं बता। देखो आजी भाई बहुत बड़े चल रहे हैं। फिटनेस कंटेंट बना रहे हैं, बढ़िया ब्लॉग बना रहे हैं। उससे बहुत ठीक है भाई। हेलो कल को आऊंगा, ब्रेक करूंगा तुम्हारी क्या ऐसे ऐसे एक्टिंग कर दो। अरे उसमें आदि भाई भी बुरी एक्टिंग करे और सामने वाला भी बुरी। अच्छा तो उससे बढ़िया अब जो कंटेंट आ रहा है वो एक नंबर है। सल्यूट है, उसमें मेहनत है। अच्छा आदि भाई की एक बात हो रहा है। नितिन भाई आदि भाई की एक बात हो रहा है। अगर कहीं भी घूम रहे होंगे चाहे बाहर भी हैं पहाड़ों पे, पर वर्कआउट जो इंटीग्रेशन पार्ट है वो टाइगर भाई जिम का होगा। पहाड़ों पे आके 2 मिनट का जिम में वर्कआउट करेंगे फिर पहाड़ों पे और 7 मिनट में ब्लॉग खत्म। कोई सर दर्द नहीं इंटीग्रेशन। हाँ वही तो कुछ तो पसीना जो आ रहा है थोड़ी है। बहुत बकचोदी कर रही है। जब आ रहा शिद्दत से कर रही है। भाई कह रहे प्लेट निकाल मैंने क्या जरूरत है। मैंने जो प्लेट छू कर देखी थी तो बहुत भारी है यार। देखियो है चीज हो रही बंदा। मैं डॉक्टर चॉइस हर जगह बता ना। मोतने प्यार भी करा दे आज भेज दे मुझे तो फिर भेज दिया तुम्हें। देख रहा क्या भेजा तेरे सॉन्ग में। कह रहे भाई आप देख लो आप खाओ और बॉडी बढ़िया माल तो बेटा दे रहे हो। EAA प्रोटीन डॉक्टर चॉइस वालों नेगेटिव। ओके भाई गुड नाइट। मजाक कर रहा मैं निकाल पांडे ठीक है। 10 मिलियन हो भाई के वजन। तो भाई अब हम कर रहे हैं लेग प्रेस और देखी चाहिए कैसी लेग प्रेस होगी। आज पहली बार कर रहा हूँ टाइगर भाई के जिम में। इसका जो एंगल है वो बहुत शानदार है भाई। थोड़ा सा पीछे मैं देखते ही समझ गया मशीन का जो एंगल है ना बहुत दमदार है भाई। अपने हिसाब से सामने नहीं है ऊपर है बिल्कुल। रोनी ना अब करके फील बता दूं। ये हाथ यहाँ पर ये ना पकड़ो ये पकड़ो इसमें सपोर्ट है कि चल मार कोई चल चलो 3 ये 4 शाबाश 5 चल 6 चल 7 चल 8 1 9 10 11 12 13 एक और स्टॉप। मजेदार वो यार टाइट मजेदार लेफ्ट प्रेस बहुत मजा है और है
और भी लेट जाएगी, और भी पूरी 90 भी जाएगी अगर मैं तुझे पूरी 90 डिग्री ये एडजस्टर है। अच्छा यहाँ से दे तो रखा है सिस्टम और जैसे पूरी पर्सी थी। अच्छा बहुत मतलब एंगल जो है ना अशीम का बहुत दर्द है, वरना क्या होती लेग प्रेस ज्यादा बोलते सामने धक्का मारो, धक्का मारो इसमें बिल्कुल ऊपर मार रहे हैं। और जैसे भाई बता रहे और ऊपर करना चाहो तो और ऊपर भी आ जाएगी लेग्स के ऊपर, तो मजा आना भाई मजा आ गया इसमें। तो अपने आप ही करेगा कहेगा भाई लेग्स डे मिस ना, लेग्स करने को जी तो करे पर कोई होता ना ये फिर मजा ना आता, लेग्स में चाहिए कोई ना कोई अपना सीनियर स्पेशल लेग्स मारना भाई। ऐसे मैं कह रहा हूं कोई 35-30 लोटा जिनमें से लेग्स मार देंगे यही टाइम ऐसा हो गया कि 2-3 साल हुए टाइम कि हम अपने जिम में किसी में जा रहे हैं उसमें हमारे पार्टनर हम स्ट्रांगों को मारते हैं, नहीं तो हर ना हो पाता फिर बाद में लग लगा लगा। सो गाइस नाउ वी आर डूइंग डेडलिफ्ट फॉर आवर हैमस्ट्रिंग्स विद द हेल्प ऑफ डंबल्स रेदर देन द हेल्प ऑफ बारबेल। डंबल के साथ कैसे करेंगे हमारे टाइगर भाई अभी बताएंगे। डेडलिफ्ट में 2-3 चीज बहुत ध्यान रखनी पड़ती है, आदमी कैसे भी मार लेता है हां, बट जहां खड़े हो ना हां अपने दोनों लेग्स मूव करके देखो कि यार दोनों बराबर है, क्योंकि जिम होती है फर्श होती है डंबल रखकर नीचे ऊपर नीचे भी होती है ना, तो उससे ही बैलेंस खराब हो जाता है। तो जो फ्लोर लग रहा है यार ये बराबर है ठीक है दोनों बराबर है वहाँ मारना चाहिए। अब जैसे कि देख यहाँ ऐसा है ये बराबर यहाँ नीचे है ना, जहाँ मैं हूँ यहाँ बराबर ये सेंटर ना ये सही है। अब हल्की सी लेग्स वाइड कर हल्की सी करो और ये रो ठीक है। अब उठा डंबल, अच्छा हल्का डी बैंड पीछे की तरफ ग्लूट्स और नी लॉक वन चार मैक्सिमम बढ़ सकता है वन सिर्फ यहाँ तक ही जाना और हेमिस्ट्रिंग पीछे टू। अब ध्यान से समझ एक बात चलते चलते चल रहा है जो लेग्स है ना वाइड में होनी चाहिए, लेग्स क्लोज होना चाहिए। अच्छा उतना वाइड नहीं होना चाहिए। अब घुटना अंदर करके देख ये कितना आया डबल हो गया ना हाँ। तो हमारी बॉडी चीटिंग करती है ऐसे करते ना आदमी घुटने खोल हाँ। ये चीजें ना ऐसे जितनी अंदर कर सकता है। तो जब हम नीचे जा रहे हैं ना नीचे जा रहे हैं तो घुटने अपने आप बाहर की तरफ जाएंगे, आपको ये ध्यान लग रहा है बाहर ना जाके घुटने अंदर प्रेस करो और ये भी नहीं बिल्कुल ही मोड़ रहे नहीं कंट्रोल में रखने घुटने कंट्रोल रख रहा कोशिश करते हैं तो ये पूरा हाँ देख अब तेरी बॉडी अपने आप अब तू उसको कोशिश कर अंदर करने की अब हो गए है ना अब हल्का सा दबा ये यार देखिए तो मेरे पीटी भी ना सुन देते रात को भी। अब भाई दिन खत्म होगा क्या करूँ भाई वर्कआउट बहुत बढ़िया हो गया और पहले पसीनों भी हुए फिर बारिश इतनी हो रही है बारिश में भीग गए जिम से निकलने में हालत ही खराब हो गई फुल यार। उस दिन मैंने स्कोरलम टक्कर मारी आदि ने ब्लॉग में गिर दी हाँ आयुष ने ब्लॉग देख लिया था लड़ने ना आ जाएगा। अरे भाई इस पे गाड़ी स्टार्ट करने का टाइम है ब्लॉग का देखेगा तब से आयुष खड़ी है बैठा है कहीं बोल। तो भाई वर्कआउट में बहुत मजा आ गया, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। और लेग्स वर्कआउट मैंने कम से कम 6-7 महीने में करा क्योंकि वर्कआउट मेरा छूटा ही पड़ा था। तो जब वर्कआउट ही नहीं करा कभी कभी बीच बीच में कर लिया तो वो अपर बॉडी कर ली। अब लेग्स के ऊपर ग्लूट्स के ऊपर बहुत फैट आ चुका है तो मैंने कहा थोड़ा सा लेग्स पे भी ध्यान कट रही। और मेरा जो ट्रांसफॉर्मेशन में फोकस है ना वो लेग्स और एब्स है तो इन पे मैं थोड़ा ज्यादा फोकस करने वाला हूँ इस बार। और आज तो मैंने हल्की ट्रेनिंग करी है बहुत मजा आया बातचीत में भाइयों के साथ, सारे भाई के साथ मिल गए तो मस्ती बहुत ज्यादा हो गई आज। लेकिन वर्कआउट भी मैंने अच्छा कर लिया और अब नेक्स्ट सेशन जो करूंगा मैं तो आज के लिए इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मत पड़ो चक्कर में कोई भी नहीं टक्कर में। बाय लव यू ऑल टेक केयर।